तो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों एक जो सवाल आप सभी लोग का है और शायद ये भी कई लोगों का सजेशन है, जो शायद मैं अगर मैं आप सभी के सामने रखूं तो वो कई लोग ऐसे होंगे जो एक्सेप्ट करेंगे। आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में बिल्कुल बताइएगा, कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है, जाके बिल्कुल बताइएगा। ये है दोस्तों कि हमने देखा कि IBPS RRB RRB PO RRB क्लर्क, फिर तुरंत बाद IBPS क्लर्क हुआ, उसका प्रीलिम्स खत्म हुआ, उसका मेंस खत्म हुआ और तुरंत बाद अभी IBPS PO का प्रीलिम्स होने वाला है। दोस्तों IBPS RRB तक तो सही है क्योंकि वो जैन में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी आप मान के चलिए कि आपका अगर एग्ज़ाम अगर अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है तो नवंबर दिसंबर दो ढाई महीना मिल रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स वेट कर सकते हैं दो महीने तक। जैन को ये फिक्स है कि एक तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन IBPS क्लर्क का क्या, क्योंकि IBPS क्लर्क में एक तो प्रीलिम्स होगा फिर एक और मेंस होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं। और मेंस ख़त्म हो गया 13 तारीख को मेंस ख़त्म हो गया IBPS क्लर्क का। आप देखिए अगर दो महीना जन तक हिसाब करोगे तो और दो महीना यानी तीन महीना, जनवरी फरवरी और मार्च, और यहाँ के दो महीने, पाँच महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और तब जाके अप्रैल एक तारीख को रिजल्ट आएगा। और ये जो बीच में जो आपका जो गैप हो जाता है ना, ये थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि कई लोग का ऐसा होता है कि प्रीलिम्स नहीं निकलता, कुछ भी नहीं निकलता, प्रीलिम्स नहीं निकलता, फिर कोई एग्ज़ाम नहीं होता है देने के लिए। तो इतना लेट नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट मेरे हिसाब से आप एक महीने में IBPS RRB PO IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स को ख़त्म कर दो, उसके अगले महीने में आप IBPS क्लर्क प्रीलिम्स को ख़त्म करो, उसके अगले महीने में इसका मेंस होना चाहिए, फिर नेक्स्ट में ये अल्टरनेट में चलना चाहिए, तो फिर ऐसा लगे कि हाँ एक एग्ज़ाम के लिए आपके पास अच्छा समय मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन एकाएक अचानक मैं समझ पा रहा हूँ दोस्तों कि आप एक फ्लो में होंगे तो आपको सारे एग्ज़ाम्स बेनिफिशियल होंगे, लेकिन इतना भी नहीं कि आप एक संडे के तुरंत संडे के बाद आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है सोचने वाली बात है और ये आज की बात नहीं है। मैं जब से देखते आ रहा हूँ दोस्तों IBPS क्लर्क फाइनल रिजल्ट एक तारीख को आता है तो एक लंबा सफ़र हो जाता है, इतना ज़्यादा इंतज़ार आई थिंक मेरे हिसाब से ये इज़ नॉट जस्टिफाइड, इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पाँच साढ़े पाँच महीने के बाद अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये है दोस्तों, आपने IBPS क्लर्क मेंस लिखा, आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, भूल तो नहीं गए हो क्योंकि 13 को आपने लिखा था, और जैसे अभी आपके एग्ज़ाम्स अभी IBPS PO मेंस प्रीलिम्स होने वाले हैं, इसके ऊपर आपका क्या विचार है, आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तमाम जितने भी चीज़ें हैं आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। लगता है कि थोड़ा पर्सनल बात करें भैया से तो फिर आप स्टूडेंट फरमाइश के इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं IBPS PO प्रीलिम्स का, मैं हमेशा से गाइडली मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान को रेकमेंड करता हूँ, इस बार फिर से रेकमेंड करूँगा, आप मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान को ले लीजिए। और मेरा कूपन कोड अगर आप लगाते हो तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाता है। कूपन कोड और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देता हूँ। कूपन कोड है दोस्तों SFY12, ठीक है। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत शबा खेर, लव यू, अपने क्षेत्र का ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।